तो आज हम एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये लेक्चर्स जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा देगा मैं फिर बता दे रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जो एमडी कैट के थ्रू एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का आप जानते हैं 10 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है टेस्ट में, उनके लिए फ़ायदा देगा। और उसके अलावा वो बच्चे जो कि किसी आर्म फोर्स में पीएफ में या फिर जो है वो पाकिस्तान नेवी में पीएफ में या फिर नेवी में या फिर आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं कमीशन के लिए, तो उनके लिए भी इनिशियल टेस्ट में जो है वो ये आस्क किया जाता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें दो तरह की रीजनिंग होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग का एक लेक्चर तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, इसलिए फ़िलहाल अभी वो लेक्चर मैं नहीं करा रहा हूँ। नॉन वर्बल मैंने कर दिया। नॉन वर्बल में क्या कराया था कि उसमें शेप्स होते हैं, 3 शेप बने हुए होते हैं और फोर्थ शेप आपको बताना होता है क्या है, ऐसे ही याद होगा, तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। और एक वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें जो है वो वर्ड्स होते हैं, वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, रीजनिंग आंसर देने पड़ते हैं। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर भी टाइप्स होती हैं, तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनालॉजी, वर्बल एनालॉजी को। जो सैम्पल पेपर आया है उसके अंदर एनालॉजी के क्वेश्चंस भी हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो फिर मैं कह रहा हूँ सोच रहा हूँ कि आज मैं एनालॉजी आपको डिस्क्राइब कर दूँ और ये बता दूँ, ठीक है। तो ये एमडी कैट 2021 के लिए फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए। होता क्या है एनालॉजी, पहले तो ये समझते हैं। तो एनालॉजी में बच्चों क्या होता है कि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं यहाँ पर दो चीज़ों का। आपने देखा होगा इस तरह का सवाल होता है, रेशो यहाँ पर लगा हुआ तो है कि, और रेशो को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इस टू, मेसन इस टू वॉल, और इसी तरह का एक जो है वो कंपैरिजन, इसी तरह का एक रिलेशन आपको आंसर्स में से ढूंढना है। रिलेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं जो मैं यहाँ पर हेडिंग में टाइप्स के सूरत में डाल रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटर और क्रिएशन, क्रिएटर एंड क्रिएशन। मेसन इज द, मेसन किसे कहते हैं, मेसन किसे कहते हैं, हु इज अ मेसन, मेसन कहते हैं मिस्त्री को। मेसन क्रिएटर है और वो क्या क्रिएट करता है, वॉल, दीवार बनाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये चीज़ हमें पता लगी कि क्रिएटर और क्रिएशन, क्रिएटर मेसन है और उसकी क्रिएशन क्या है, वॉल। क्या फिशरमैन की क्रिएटर ट्राउट होती है, ट्राउट किसे कहते हैं, ट्राउट इज अ टाइप ऑफ फिश, तो ये कहना नहीं होती है। क्या ऑदर की क्रिएशन बुक होती है, यस ये होती है, ऑदर जो है वो बुक क्रिएट करता है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस मैन की सेनेटर नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस मैन सेनेट में होता है, क्रिएटर और क्रिएशन नहीं है ये। स्कल्प्टर की मैलेट नहीं होती है, मैलेट के स्कल्प्टर होता है मुजस्मा सास, और जिस चीज़ पर जो वो बैठ कर जो मुजस्मा बनाता है उसको मैलेट कहते हैं, तो वो क्रिएटर और क्रिएशन नहीं है। आर्टिस्ट का ईजल नहीं होता, ईजल कैसे कहते हैं, वो जो फ्रेम होता है जिस पर वो बनाता है शेयर, तो वो ईजल होता है, तो उसकी क्रिएशन नहीं है बल्कि वो तो उसका टूल है, ठीक है। तो ये क्रिएटर और क्रिएशन पर, तो ये समझ में आया कैसा आंसर है, तो इसी को एनालॉजी कहते हैं। तो डिफरेंट तरह की एनालॉजी आज जो हमारी क्लास है 1 घंटे की उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट है थिंग एंड लेफ्ट ओवर। थिंग एंड लेफ्ट ओवर से क्या है, मतलब कोई चीज़ और उसके जाने के बाद जो चीज़ बच जाती है। फायर एक चीज़ है, आग जब ये बुझ जाए तो क्या बच जाता है, सिर्फ एशेस। एशेस किसे कहते हैं, राख। क्या वाटर के ख़त्म हो जाने से वेव्स रह जाती हैं, नहीं। रिग्रेट मतलब होता है क्या, अफसोस। क्या अफसोस के ख़त्म होने से उदासी रह जाती है, नहीं। इवेंट मेमोरीज, इवेंट के ख़त्म हो जाने के बाद क्या उसकी मेमोरीज रह जाती हैं, रह जाती हैं, डी करेक्ट। तो ये थिंग एंड लेफ्ट ओवर रिलेशन है, कोई चीज़ और उसके ख़त्म होने के बाद जो चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह के कंपैरिजन। नेक्स्ट है गूस इज टू जेंडर।
गूस इज टू जेंडर. गूस किसे कहते हैं? गूस परिंदा एक है, सारस जिसको कहते हैं. गूस इज अ टाइप ऑफ बर्ड, प्लूरल इसके गीज होती है. अच्छा, गूस जो होता है ना वो मेल होता है. सॉरी, गूस जो है ना दैट इज फीमेल, और इसका जो मेल है उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर. तो ये क्या है? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का रिलेशन है. तो डक इज टू ड्रेक. ड्रेक किसे कहते हैं? देखो, डक जो है ना, डक फीमेल है, बत्तख, और उसको जो मेल होता है ना वो ड्रेक होता है. वो कैबलरी इसके लिए आपको थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. तो डक इज टू ड्रेक है ना, कि फीमेल के गूस इज टू गैंडर, तो डक इज टू ड्रेक. अच्छा, हैन इज टू चिकन नहीं हो सकता, ये स्पीशी और ऑफ स्प्रिंग का रिलेशन है. हैन का बच्चा चिकन है, मेल फीमेल नहीं है. शीप और फ्लॉक है ना, फ्लॉक इज एक्चुअल कलेक्शन ऑफ शीप, कलेक्शन, यस, शीप का कलेक्शन भी फ्लॉक होता है. क्या कह रहे हो? फ्लीट होता है वो, फ्लीट ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक जो होता है वो शीप का होता है, रेवर्ड जिसको बोलते हैं. हाँ, ग्रुप से कलेक्शन तो है. दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ना फ्लॉक. हॉर्स इज टू ब्राइडल. ब्राइडल असल में हॉर्स में जो लगाम लगा होता है उसको ब्राइडल कहते हैं. ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, हॉर्न्स इज टू बुल. पार्ट एंड होल रिलेशनशिप है. पार्ट एंड होल मतलब हॉर्न्स जो है वो बुल का पार्ट होते हैं. हॉर्न्स आर द पार्ट ऑफ बुल. क्या मेन इज द पार्ट ऑफ लायन? मेन किसे कहते हैं? हॉर्न, सींग. सींग होता है ना गाय के सींग जैसे, उसको हॉर्न कहते हैं इंग्लिश में. यस, तो हॉर्न बुल का हॉर्न होता है, बैल के जो है वो सींगे होती हैं. लायन का मेन होता है. मेन किसे कहते हैं? क्यों नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ उसका सभी. देखो, मेन जो है वो जो उसकी बबर शेर की जो दाढ़ी होती है ना उसको मेन कहते हैं. पार्ट तो ये भी है. हूफ सिस्टो हॉर्फ, घोड़े के जो टाप होते हैं जो उसके टांग उसको हूफ कहते हैं, वो भी पार्ट है. एंटलर सिस्टो स्टैग. स्टैग कैसे कहते हैं? ठीक है जी, तो मेन भी बबर शेर की दाढ़ी हो गई, हूफ्स घोड़े के टाप हो गए. स्टैग किसे कहते हैं? हिरन को नहीं कहते. बारह सिंगा जो होता है उसको स्टैग कहा जाता है. बारह सिंगा जिसके बहुत सारे सिंग होते हैं ऊपर, मतलब इस तरह सिंग निकलने होते हैं, स्टैग कहलाते हैं वो. उसके जो सिंग होते हैं ना उनको एंटलर्स कहा जाता है, बारह सिंगे के सिंग को और विंग्स के. तो ये सारे पार्ट्स हैं, लेकिन बुल के हेड में हॉर्न्स होते हैं और स्टैग के हेड में एंटलर्स होते हैं, तो सी करेक्ट. बाकी तो हेड में नहीं होता ना किसी के, सर पे. समझ में आ रही है? पार्ट एंड होल का रिलेशन. तो बेस्ट रिलेशन जो हो रहा होता है ना वो लगाना होता है. उसके लिए सबसे पहली चीज़, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए स्टैग जो है वो बारह सिंग है और उसके सींग जो है वो एंटलर्स हैं. तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. नहीं, विंग्स तो नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे ना विंग्स. चूँकि ईगल के विंग्स होते हैं तो, लेकिन सर पर नहीं होता, उसके उसके तो साइडों पर होता है. व्हील इज टू बाइसाइकिल. व्हील इज अ पार्ट ऑफ बाइसाइकिल. क्या क्लास इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट? नहीं, स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लास, उल्टा है, रिवर्स है. क्या कारपेंटर इज अ पार्ट ऑफ सॉ? पार्ट सॉ मतलब होता आरी, कारपेंटर आरी का हिस्सा तो नहीं है ना. नहीं. जज इज अ पार्ट ऑफ कोर्ट रूम. हिस्सा नहीं है वो, वहाँ मौजूद होता है, वहाँ मौजूद होता है वो, उसका हिस्सा नहीं है. उसका कोई जैसे है ना, व्हील पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है. बीड इज अ पार्ट ऑफ रोजरी. रोजरी किसे कहते हैं? व्हाट इज अ रोजरी? तस्बी दाना होता है ना उसको बोलते हैं रोजरी. तस्बी दाने को कहते हैं रोजरी, तस्बी जो होती है. तो तस्बी जो है, जो एक एक दाने होते हैं वो बीड्स होते हैं. तो बीड इज अ पार्ट ऑफ रोजरी. सो डी इज द करेक्ट. समझ में आ रही बात? तो थोड़ा रोजरी पता होना चाहिए था कि भाई ये क्या है, भाई ये तस्बीह है सर.
ठीक है। नेक्स्ट फिर वही पार्ट एंड होल है। अभी आप बताएं, जियोलॉजी इज टू साइंस, जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस, बताएं क्या करेक्ट होगा, या जियोलॉजी इज द टाइप ऑफ साइंस, साइंस की एक किस्म है जियोलॉजी। देखो बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ लेबोरेटरी, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉमी गैलेक्सी की टाइप नहीं है, गैलेक्सी का पार्ट नहीं है, ठीक है, स्टार्स है ना इसके पार्ट। तो फिग इज अ पार्ट ऑफ ट्री, या फिग इज अ टाइप ऑफ ट्री, ये करेक्ट हो। फिग किसे कहते हैं, फिग कहते हैं इंजीर को, इंजीर का जो दरख्त होता है ना वो फिग कहलाता है, तो वो एक ट्री की टाइप है, जैसे जियोलॉजी साइंस के टाइप, सही है। तो फिग पता होना चाहिए कि इंजीर होता है फिग। फैशन और स्टाइल भी नहीं हो सकता, फैशन स्टाइल सैलानिया में आपस में, तो एक ही चीज़ है ना ये, तो एक ही वर्ड्स, सही है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर कम से कम हमें जहन में रहेगा कि कौन सी एनालॉजी आ रही है। ये सब लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक्स के थ्रू काम कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन तो कोई नहीं है इसके अंदर। फिश इज टू ट्राउट, भाई फिश की एक किस्म है ट्राउट मछली, अब आप बताएं। मैमल एंड वेल, यस, मैमल के एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं वेल, ठीक है। अच्छा, ओशन के टाइप वाटर नहीं है, बर्ड के टाइप एवियरी नहीं है, एवियरी तो हम कहते हैं पिंजरा जो होता है ना, परिंदे का पिंजरा, बर्ड का पिंजरा, वो एवियरी कहलाता है, तो वो टाइप तो नहीं है। स्टैग इज टू डो, स्टैग और डो अलग वर्ड है। स्टैग किसे कहते हैं, बारह सिंगा, और डो किसे कहते हैं, जो मैमल्स होते हैं ना उनमें जो एडल्ट फीमेल होते हैं उसको डो कहा जाता है, और मैमल्स के अंदर जो एडल्ट मेल होता है उसको बक कहा जाता है। तो स्टैग इज टू डो का कनेक्शन यहाँ पर नहीं मिला। डो किसे कहते हैं, फीमेल मैमल, सो वो तो पूरा पार्ट हुक आ गया कि स्टैग इज अ टाइप ऑफ डो, ठीक है, बट मैमल इज, वेल इज अ टाइप ऑफ मैमल। फिश की किसी में ट्राउट, तो मैमल की किसी में वेल, ये हो जाएगा। और डो और मैंने बता दिया वो बायोलॉजिकल टर्म है, डो कहते हैं किसी भी एडल्ट फीमेल मैमल, और बक होता है कोई एडल्ट फीमेल, एडल्ट मेल मैमल, ठीक है। जज इज टू कोर्ट हाउस, जज इज अ पार्ट, अच्छा ये टाइप है वर्कर और वर्क प्लेस की, वर्कर और उसके काम करने की जगह कहाँ है, तो जज है वो कोर्ट हाउस में होता है। अब आप बताइए, डॉक्टर क्लिनिक में होता है, या सिंपल डी ऑप्शन, इस तरह के आसान भी आते हैं, ऐसे ही नहीं आते लेकिन सारे। अच्छा अब ये नेक्स्ट है टाइप, वर्कर एंड डील्स विथ, वर्कर है और वो किस चीज़ पर काम करता है, तो डॉक्टर डील्स विथ डिजीज, इसी तरह का और रीजन ढूंढे, डॉक्टर डील्स विथ डिजीज, तो बताएगा सही आंसर, यस सईद इज राइट। ब्रोकर इज टू स्टॉक, एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। अच्छा पेडियाट्रिशियन किसे कहते हैं, हाँ बच्चों के डॉक्टर, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं ना उन्हीं के सामने लिखा होता है पेडियाट्रिक्स, ठीक है, जो पेडो के मतलब होते हैं बच्चा। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो सैनिटी पे बेसिंग है, सैनिटी कहते हैं बुढ़ापा, तो वो तो बच्चों को डील करते हैं, ये नहीं हो सकता है। साइकेट्रिस्ट मेल एडजस्टमेंट, गैर तवाजुन को, तो वो डील नहीं करते, ठीक है, साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात। मोरन, मोरन तो बेवकूफ़ को कहते हैं, तो वो तो कुछ भी डील नहीं करता। ब्रोकर कौन होता है, जो स्टॉक्स पे डील करता है, ब्रोकर जो स्टॉक्स पे डील कर रहा होता है, देखा है वो मेरे पास तुम हो उसमें, जो क्या नाम है उसका, जो भी हुमायूं सईद, वो ब्रोकर बन जाता है, तो स्टॉक्स की डीलिंग करता है, अमीर हो जाता है, तो वो ब्रोकर्स है। सोनी लाइफ वालों का एक वो भी है, वेब सीरीज़ है स्कैम 1992, देखा किसी ने, तोड़ने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ जो ब्रोकर है वो स्टॉक ब्रोकर है। आपने देखा होगा ना कभी स्टॉक कहते हैं, कराची के स्टॉक एक्सचेंज का नाम अगर आपने सुना है, बहुत सारे लोग उसमें बैठे होते हैं, टेलीफोन सामने होता है, हर वक्त फ़ोन कर रहे होता है, फ़ोन घुमा रहा होता है, लाइन से बहुत सारे लोग, तो वो स्टॉक मार्केट में वो ब्रोकर होते हैं और वो बेच रहे होते हैं, शेयर्स को खरीद रहे होते हैं, तो वो ब्रोकर्स रियली स्टॉक्स पर करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं। वो ब्रोकर्स नहीं होते हैं, अच्छा एक वहाँ वो भी ब्रोकर्स होते हैं, वो ब्रोकर कहते हैं बीच का एक शख्स, मिडिल मैन कह सकते हैं उसको,
मतलब जो ब्रोकर है कि वो अपने पैसे ले रहा है सिर्फ दो लोगों का मुलाकात कराने के लिए, उनकी डीलिंग करवाने के लिए, तो वो भी ब्रोकर हो सकता है। यहाँ पर ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर है सर, जो मार्केट, ठीक है, सही कह रहा है। स्कैम 1992 एक वेब सीरीज है असल में, मतलब पेपर से वगैरह की बात कभी देखना तो उसमें पूरा स्टॉक पर ही है, हर्षद मेहता स्टोरी जिसको हम कहते हैं, तो वो स्कैम किया था उसने बहुत बड़ा इंडिया की तारीख में, स्टॉक ब्रोकर था वो, तो वहीं से समझ में आता है कि ये स्टॉक और ब्रोकर होता कौन है। ऐसे ही बता रहा हूँ, पेपर्स के बाद देख लेना कभी टाइम मिले। कलेक्टिव नाउन, अब वो कलेक्टिव नाउन का एक वो आएगा, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आपको कलेक्टिव नाउन कुछ पता होने चाहिए, मिसाल के तौर पर जैसे अगर एक शख्स है तो पर्सन है, बहुत सारे पर्सन आ जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, क्राउड। क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। एक अकेला सोल्जर है तो सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर आ जाए तो क्या बन जाएगा, आर्मी या मिलिट्री बन जाएगी। एक अकेला स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आ जाए तो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाए, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। एक अकेला परिंदा है तो परिंदा, बहुत सारे परिंदे आ जाए तो क्या बन जाएगा, यस सही, फ्लीट बनेगा, फ्लॉक नहीं बनेगा, फ्लीट बनेगा। शिप का भी यही होता है, शिप बहुत सारे आ जाए तो शिप के भी हमारे पास फ्लीट होती है, वो हो जाएगा अभी, पहले इसको देख लें। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कीस, बहुत सारी चाबी आ जाए तो क्या बन जाएगा, कीस का कलेक्शन क्या होता है, बंच, बंच ऑफ कीस। इस तरह ये कीस के साथ फ्लावर और ग्रेप्स भी अगर आ जाए तो उनका भी क्या हो जाता है, बंच ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये सब कलेक्शन ऑफ थिंग्स है ना, ये कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, थिंग है और उनका कलेक्शन का नाम है। अब ये जानवरों में भी होता है, सब में होता है, जैसे शीप, भेड़, बहुत सारे भेड़ एक साथ आ जाए तो क्या है फिर वो, फ्लॉक, ये बताया था फ्लॉक। काओ या गोट, गाय या बकरी बहुत सारी एक साथ आ जाए तो फिर वो क्या है, हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउस। हर्ड किसे कहते हैं, रेवड़, सॉरी रेवड़ नहीं, झुंड, बकरियों का झुंड या फिर गाय का झुंड। इस तरह से बहुत सारे अगर शेर, लायन एक साथ आ जाए तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायन। इस तरह भेड़िए, बहुत सारे भेड़िए एक साथ आ जाए तो क्या है फिर वो, पैक, अ पैक ऑफ वुल्फ्स, पैक इज अ कलेक्शन ऑफ वुल्फ्स। इस तरह करो, बहुत सारे कौवे एक साथ आ जाए तो क्या होता है, दैट इज अ मर्डर, मर्डर ऑफ क्रोस। तो अगर एक साथ बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं ना, हम कहते हैं अ मर्डर ऑफ क्रोज इज सिटिंग ऑन द वाइज। तो मर्डर वैसे तो कत्ल होता है, मर्डर का मतलब, हाँ कत्ल करना भी है, और मर्डर कलेक्शन ऑफ क्रो को भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब कोई कौवा मर जाता है तो उसके जनाजे में सारे आते हैं ना, ऐसे ही होता है ना, कौवा मर के गिर गया तो सब काहे काहे करते हैं, तो वो मर्डर हो किसलिए कहते हैं उसके कलेक्शन को, कि मर्डर हो गया है तो मर्डर में उसके तासबीहत के लिए आए। तो इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग पेपर निकाला जाता है, जब लायन का प्राइड है, फ़खर से चल रहे होते हैं, शेर है तो प्राइड ऑफ लायन, प्राइड फ़खर को भी कहते हैं। इस तरह सबसे अच्छा तो ओल है, ओल उल्लू, उल्लू का जो अगर बहुत सारे उल्लू एक जगह मौजूद है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, अ पार्लियामेंट ऑफ ओल। तो पार्लियामेंट वो जगह जहाँ बहुत सारे उल्लू बैठे हैं एक साथ, ठीक है, ये सार्केज़म है, ठीक है। अच्छा, फिश इज टू स्कूल, कि अगर फिश का कलेक्शन स्कूल होता है, स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारे मछली एक जगह होता है वो स्कूल, उसका कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन एक और ढूंढे, लायन इज टू प्राइड, लायन प्राइड, मतलब जो साल उनमें से भी आ सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यही आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो मैं तो सही पता था भाई, सही जानते थे पहले से तुम्हें। अच्छा, थिंग और प्रोटेक्टर, कोई चीज़ और उसको बचाने वाली चीज़। हेलमेट किसको बजाती है, हेड को बजाती है, अब बताओ। पैडल फुट, गन, हैंड, ब्रेस्ट प्लेट, चेस्ट और पेंडेंट नेक, क्या पेंडेंट नेक को बजाते हैं, पेंडेंट किसे कहते हैं, नेकलेस को आपके, यस, ब्रेस्ट प्लेट इज टू चेस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। अर्तुगरुल देखा है, अर्तुगरुल या कुरलुस देखा है कुछ ऐसा, उस्मान, तो उसमें आपने देखा जंग पे जाते थे, वो एक सामने पूरा जो है ना, वो एक पूरा एक चमड़े का पूरा लगाते हैं, या फिर कभी लोहे का भी होता है, वो पूरा ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं उसको, उससे वो क्या कहते हैं, सीने को बचा रहे होते हैं तलवार वगैरह से,
तो वो ब्रेस्ट प्लेट इज यूज टू प्रोटेक्ट चेस्ट, जैसा हेलमेट इज यूज टू प्रोटेक्ट हेड, सही है। अच्छा, वर्ड एंटोनियम पे भी आ सकता है एनालॉजी। वर्ड एंटोनियम से मुराद के अल्फाज होंगे, उसके जिद होंगे, जैसा कि लैंग्वेज इज टू एनर्जेटिक, एनर्जेटिक तो फुर्तीला, और लैंग्वेज कहते हैं सुस्त या काहिल। लैंग्वेज ये अपोजिट से एक दूसरे के वर्ड एंटोनियम। माइजरली का क्या होगा, माइजरली किसे कहते हैं, माइजर किसे कहते हैं, कंजूस। तो कंजूस का क्या होगा भाई, क्या डी करेक्ट हो जाएगा, जेनरस। जेनरस मतलब सखी, फयाज, देने वाला। तो वर्ड एंटोनियम पे आगे, बार्क इज टू डॉग एनिमल और साउंड कनेक्शन। बार्क कौन करता है भाई, डॉग करता है। बार्क भुगता कौन है, कुत्ता ही भुगता है ना, और कौन भोगेगा। अब क्या होगा इसका, हुट इज टू ऑल, स्किन इज टू कवर, नेस्ट इज टू बर्ड, ईग इज टू चिकन। फर्स्ट वन ए हुट इज टू ऑल, तो ओल की जो आवाज़ होती है उसको हुट कहते हैं। तो देखा है किसी ने उल्लू, देखा है कभी, असल मतलब परिंदे वाले, इंसानों वाला नहीं, देखा है गांव में, देखा आपने कराची में देखा उल्लू है, मैंने सुना है हेप्नेटाइज कर देता है वो, ज़्यादा देर तक देखते रहे उसको। तो उल्लू ओल, उल्लू के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा देर देखा जाए उसको तो हेप्नेटाइज कर देता है आपको, उसकी आँखों में आप देखोगे सब। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर उल्लू को जो है ना, वो एक चैप्टर भी शायद है फर्स्ट बुर्दबार और दानिशमंद, इसमें उर्दू में था ना, बुर्दबार और दानिशमंद, फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में, उर्दू में, उर्दू तो चलो ख़त्म ही हो गया था, लेकिन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है ना उल्लू के बारे में। तो पाकिस्तान में या जो एशियन कंट्री है ना उसमें उल्लू को बहुत बेवकूफ़ कहा जाता है ना, तो बेवकूफ़ हो तो उल्लू हो तुमको। अच्छा, वेस्टर्न नेशंस में उल्लू को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, कभी कार्टून्स वगैरह में देखो ना तो उल्लू को एक किताब देकर बैठा देते हैं, चश्मा लगा के, और उसके घर पर टोपी भी ग्रेजुएशन लगा देते हैं। तो वहाँ उल्लू को कहा जाता है क्योंकि वो खामोश है, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़हीन है, और पाकिस्तान में जो खामोश होता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, इसलिए उल्लू को बेवकूफ़ कहते हैं। तो वो कल्चर का डिफरेंस है। तो हुट जो उसकी आवाज़ होती है वो हुट कहते हैं। और डंकी का क्या होता है साउंड, डंकी का साउंड क्या होता है, साउंड निकालना नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या उसको, ब्रे, ब्रे होता है ना डंक, तो वो ब्रे करता है, ठीक है। हाँ, स्पीक, स्पीकिंग करता है, और क्या करता है, इंसान को आवाज़ फिर निकालता है। कंट्री करेंसी, जी के बाद बेस्ट है ये, पाकिस्तान इज टू रुपी, पाकिस्तान की करेंसी रुपी, और बाकी करेक्ट करेंसी बताएं। ये लॉजिक है, ये रीजनिंग ही है, रीजनिंग में सभी होता है। तो बांग्लादेश इज टू, यस अमानुल्लाह इज राइट, बांग्लादेश इज टू टका, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, तो पहले पाकिस्तान से नीचे थी, अब पाकिस्तान से ऊपर है, क्योंकि GDP बहुत ऊपर तेजी से इंडिया को भी क्रॉस कर गया बांग्लादेश GDP ग्रोथ रेट पे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स तो पाउंड नहीं हो सकता, US की करेंसी क्या है, डॉलर है, पाउंड किसकी करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी है, UK की। UAE इज टू रियाल, क्या UAE के रियाल है, UAE की करेंसी क्या है, दिरहम है, सारी करेंसी पता है तुम्हें। रियाल किसकी करेंसी है, सऊदी अरब की करेंसी है, सऊदी अरब के दिरहम नहीं है, वो रिवर्स हो गया। तो ये जापान की करेंसी क्या है, येन है, उसको इस तरह लिखते हैं येन। चाइना की करेंसी क्या है, हाँ चाइना की करेंसी है युआन, चाइना की करेंसी है युआन। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, रूबल, अफगानी रूबल करेंसी है, रशिया में भी चलती है रूबल। ईरान की करेंसी क्या है, तुमान, यस तुमन या तुमान कहते हैं उसको, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर ही चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर ही चलता है। जर्मनी की करेंसी क्या है, बोले भाई यूरो, ऐसे बना होता है ना, सारे यूरोपियन नेशंस की यूरो है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सबकी यूरो है, यूरोप से निकला यूरो, ठीक है। तो करेंसीज पता होनी चाहिए, पाकिस्तान की रुपी है, इंग्लैंड, बस वो UK अलग ही है ना, ब्रेक्जिट नहीं पढ़ा क्या आपने, जो अलग हो गया ना वो, तो मतलब वो बिल्कुल अलग चीज़ें चलाते हैं अपनी, यूरोपियन यूनियन से भी कट गया,
जो इंग्लैंड है, ब्रेक्जिट जिसको कहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन स्टार्ट किया, अलग उसने अपना पार्ट कर लिया। यस, थाईलैंड की करेंसी क्या है? रंगेट। रंगेट है ना, रंगेट शायद मलेशिया की है। रंगेट थाईलैंड की होनी जाती है। इतने नहीं करेंसी पूछने, कुछ मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट है बस। ज़्यादा ऐसा तो दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं, वो आपको बोलेंगे बताओ भाई ये होंडुरास का बताओ, वियतनाम का बताओ, कैसे फिलीपीन का बताओ, कैसे बताओगे? कुवैत का कुवैती दिनार सबसे हाईएस्ट करेंसी है, कुवैती दिनार, वहाँ पे दिनार चलता है, और सबसे हाईएस्ट करेंसी भी कुवैती दिनार है अमाउंट में, अभी तो सबसे ज़्यादा उसी में होता है, 400 सबसे दुनिया में 400 कुछ रुपए का है एक दिनार। क्रिएशन एंड मटेरियल, कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। शू किससे बनता है? सिंपल बच्चों, लेदर। बी इजी, इस तरह के आ जाए तो हो जाएगा, मसला नहीं है। टूल इज टू वर्क, क्लॉक क्या काम करता है? टाइम दिखाता है, ऐसे ही दिखाए। रेडियो साउंड प्रोड्यूस करता है, बताता नहीं है। सेकंड वाला दिस इज यस। ओडोमीटर इज टू स्पीड, तो बाइक का जो मीटर होता है ना, इसको आलोक बोलते हैं स्पीडोमीटर, उसका जो करेक्ट नेम है दैट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? स्पीड को बताता है, जैसे घड़ी टाइम को बताता है। ये साउंड बताता नहीं है, साउंड प्रोड्यूस करता है, सही है। तो ओडोमीटर होता है जिसको आप लोग कॉमनली स्पीडोमीटर कहते हैं, तो ज़्यादातर खराबी होता है लोगों का, ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोग तो निकलवा ही लेते हैं, राइडर जो होते हैं लगा के डायरेक्ट। हाँ यस, बारिश का पानी किया खराब। टूल इज टू वर्क, वही सेम है। सीजर्स इज टू सीवर, सीवर किसे कहते हैं? सीवर के मतलब होता है काटना, कट। तो सीजर काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही देखिए। बैरन इज टू रोल, रेजर इज टू स्मच, माइलस्टोन इज टू ग्राइंड, मैच इज टू स्ट्राइक। माइलस्टोन ग्राइंड, माइलस्टोन कैसे कहते हैं? संगे मैल, माइलस्टोन होता है ना इस तरह से, जो जो है ना इस तरह से लिखा होता है, लाहौर 15 किलोमीटर रास्ते में, ये कहलाता है माइलस्टोन, ऐसे ही होता है ना। तो वो ग्राइंड करने के लिए थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे लगा रहता है वो, तो बैरल रोल हो जाता है बट इस्तेमाल नहीं करते रोल करने के लिए उसको, बैरल है ना उसको रोल करा सकते हैं बट इस्तेमाल नहीं, बी है वो तो देखे ही ना। रेजर इज टू स्मज, रेजर होता है रबर, रबर से जब आप मिटाते हो ना, तो वो रबर से जो मिटाना है, इरेज करना, उसको स्मज कहते हैं, यू आर स्मजिंग इट, क्योंकि आपने ग्रे शीट से कुछ लिखा था वो हल्का हल्का क्या होता है, फैल जाता है, उसको स्मज कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन है, तो आपने वर्ड्स स्मज के मतलब नहीं पता था आपको, तभी आप नहीं कर पाए, तो हम थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एनालॉजी के लिए। डिजीज इज टू काउस, मलेरिया होता है मस्किटो से, ये तो बायोलॉजी वाले आराम, सभी एमडी कैट वाले बैठे हैं। मलेरिया होता है मच्छर से, बाकी बताइए। मलेरिया मच्छर से होता है, क्या जहर मौत से होता है? मौत जहर से होती है, जहर मौत से थोड़ी ना होता है। रैट इज टू प्लेग, क्या चूहा होता है प्लेग से? नहीं, प्लेग से चूहा, मतलब चूहे से प्लेग होता है। सी यस, कोलेरा इज टू वाटर, सी ऑप्शन है। कोलेरा जो है ना, जिसको हैजा कहते हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से होता है, गंदा पानी पी लेने से, तो कोलेरा इज टू वाटर, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, कि कोलेरा डिजीज है और उसका कॉज क्या है? वाटर। पॉइजन डिजीज थोड़ी ना है, रैट डिजीज थोड़ी ना है, मेडिसिन डिजीज थोड़ी ना है, समझ गए? ये बायोलॉजी वाले तो आराम से बता देते हैं। कोलेरा कौन सा वायरल डिजीज है क्या बैक्टीरियल डिजीज है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? चारे भाई, चलो वाटर से, पानी से ही होता है कोलेरा, वाटर बॉर्न डिजीज है, गंदा तब होता है ना, यही कह रहा हूँ। वर्ड इज टू एक्सट्रीमिटी, कोई चीज़ एडोर इज टू लव, ये ज़रा समझना है।
लव वर्ड इज टू एक्सट्रीमिटी, कोई वर्ड और उसके एक्सट्रीम नेचर, लव मोहब्बत जब हद से ज़्यादा बढ़े तो बन गया एडोर। तीसरा हेट, नफरत जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बन जाता है एबहोर। आई हेट हिम, मुझे उससे नफरत है। आई एबहोर हिम, मुझे उससे हद से ज़्यादा नफरत है। अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, तीसरा और भी बहुत सारे चीज़ें तो हद से बढ़ने पर चेंज हो जाते हैं। जॉय, खुशी। तीसरा से पेन, पेन होता है दर्द, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वह बन जाता है एग्नी। एग्नी, एग्नी पढ़ता है इसको। पेन इज टू, पेन होता है दर्द और एग्नी अजियत, दर्द की इंतहा है अजियत। इसरा जॉय, खुशी। जॉय जब हद से बढ़ जाए तो बनता है एस्टासी, एस्टासी। सी साइलेंट होता है। नॉवेल पढ़ने का शौक है किसी को? नॉवेल नॉवेल पढ़ा है कभी किसने भी? पढ़ा है आपने? अच्छा, वो पढ़ा है पीरे कामिल, पढ़ा है कभी उमर अहमद की किसी ने? आपने पढ़ा है। तो उसमें उसका जो एक कैरेक्टर था मेन सालार सिकंदर, हु हैज़ गॉट अ फोटोग्राफिक मेमोरी, तो वो हमेशा वो अजीब सा लड़का था, बड़ा अमीर बाप का था, लेकिन वो अपने हाथ को काटा करता था, ऐसे ही था, हाथ पाथ काट दिया करता था ब्लेड से और ये वो। तो वो एक सवाल के तलाश में था, वो सवाल लिखते थे, इंग्लिश में राइटर लिखते हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एस्टासी, एस्टासी के बाद क्या है? मतलब खुशी तो जॉय है, वो हद से बढ़ गया तो एस्टासी है, अब उसके आगे क्या है, उसका जवाब चाहता था। तो वो उसको आखिरी में उसका जवाब मिला था। पीरे कामिल तो बहुत बेहतरीन, लेकिन उसको पिक्चराइजेशन नहीं हो सकती उसकी, वो बहुत सारे मेरे मत के तो डाल दिए अभी, हम कहाँ के सच्चे थे अभी उठा के डाल दिए, बहुत सारे ड्रामे डाले, लेकिन इसको नहीं डाल सकते बिकॉज ये कादियानियों के ऊपर बनाया गया, उनके खिलाफ बनाया गया, तो वो बना नहीं सकते उस पर ड्रामा, रिलीजियस इशू का पॉसिबल, लेकिन बन जाए तो बहुत हिट जाए, मतलब वो कुछ नहीं रहे बाकी ड्रामे, इतनी बेहतरीन स्टोरी उसकी, लेकिन नहीं बनाते हैं चूँकि वो उसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट, परफॉर्म नहीं कर सकते उसको, वो है भी बड़ा डिफरेंट। अच्छा, अब वो कुछ ऐसे जैसे नॉवेल्स हैं जो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए, मतलब वो तो एक जनरल पब्लिक है, पेरे का जन्नत के पते निम्र अहमद के जो, वो पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एडोर मतलब जब एडोर, जब लव हद से बढ़ जाए तब इसमें क्या होगा? देखो अच्छा, तो थोड़ा मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं। ग्रीड होता है लालच, और एवरेशियस हद से ज़्यादा लालची, या लालच को हम कहते हैं एवरेशियस, तो ये ए हो जाएगा करेक्ट इसमें, कि जब लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होता है, एवरेशियस बन जाता है फिर। तो ये ग्रीड की एक्सट्रीमिटी है, जैसे वो सारे एक्सट्रीमिटी मैंने बताए। थोड़े मुश्किल वर्ड्स होते हैं एग्नी, एस्टासी, एबोर। हाँ ये बता दो, जैसे एग्रीमेंट इज टू पेट्यूलेंट, एग्रीमेंट मतलब इकरार कर लेना और पेट्यूलेंट मतलब इंकार कर देना, ये एंटोनियम सिनोनियम है, यहाँ एंटोनियम्स है वर्ड्स एक दूसरे के, इकरार और इंकार। मेलिशियस डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी और मेलिशियस मतलब होता है बुरा, ये सिनोनियम्स है, सेम वर्ड्स है। रेटिसेंट और शेमलेसनेस, रेटिसेंट मतलब किसी बात को छुपा लेना और शेमलेसनेस मतलब बेशर्मी, तो ये भी कोई वर्ड्स नहीं मिलते हैं इसके साथ एक्सट्रीमिटी वाले। ठीक, क्लियर? वर्ड्स पूछ लें आप मुझसे, कोई अलग अलग वर्ड दिखे ना आपको, आप पूछेंगे सर इस वर्ड के मायने बताएं, इस वर्ड के मायने बताएं, तो वो सब बताओ। पार्सिमनी इज टू फ्रुगैलिटी। अच्छा देखो, फ्रुगैलिटी किसे कहते हैं, ये भी वर्ड एक्सट्रीमिटी है। फ्रुगैलिटी मतलब होता है कंजूसी, और पार्सिमनी हद से ज़्यादा कंजूसी, मतलब जब कोई हद से ज़्यादा कंजूसी तो क्या हो जाएगा इसका? यस, एगोनी इज टू पेन, अभी बताया ना कि पेन हद से बढ़े तो एगोनी। ठीक है, तो ये अभी पिछले बार वही मिटाया बोर्ड से मैंने आंसर, इसका ये सेम वैसा ही है। यस, डिल्यूज इज टू शावर, बारिश हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको डिल्यूज कहा जाता है, और जॉय हद से बढ़ जाए तो एस्टेसी कहा जाता है। ठीक, एनिमल रेजिडेंस मतलब जानवर और उसके रहने की जगह, रॉबिन परिंदा है, हमारे यहाँ तो रॉबिन ब्लीच है, उसमें ही परिंदा बना होता है, चिड़िया जैसे, तो चिड़िया जैसे एक परिंदा होता है उसको रॉबिन कहते हैं, रॉबिन नेस्ट में रहती है। बाकी बताएं, बोरो जो गड्ढा होता है जमीन में जो गड्ढा। अच्छा वैसे एक मिनट, इसको तो एनिमल हो गया, जनरलाइज हो गया, उसको छोड़ दो, बी और डी क्यों नहीं? एलिगेटर में तो स्वैम्प में रहता है, स्वैम्प किसे कहते हैं? दलदल, वहाँ रहता है। हॉर्स भी तो स्टेबल में रहता है, स्टेबल में, तो क्यों ये क्यों नहीं? ये बेस्ट आंसर क्यों है, क्यों बताएगा?
मतलब तो ये तो ये भी सेम आ रहा है ना, ये एनिमल रेजिडेंस, तो ये बर्ड, रैबिट तो बर्ड नहीं है, रैबिट तो जानवर है, खरगोश उड़ता क्या है, खरगोश आपके इलाके में उड़ता है, खरगोश उड़ता हुआ, खरगोश खरगोश उड़ता हुआ देखा है, ख्वाब में देखा होगा, अच्छा खरगोश सबने ही देखा। मैं बता रहा लॉजिक क्या है, रॉबिन परिंदे अपना घोंसला खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं रॉबिन अपना नेस्ट खुद बनाती है, क्या एलिगेटर स्वयं खुद बनाता है, नहीं, क्या हॉर्स स्टेबल खुद बनाता है, नहीं, लेकिन रैबिट अपना बोरो खुद बनाता है, इस लिहाज से सी ऑप्शन बेस्ट है, ये चूज द बेस्ट आंसर समझ जाए उसको, आंसर तो बी और डी भी लग जाएगा आपको, क्लियर। कॉज एंड इफेक्ट, हॉर्न इज टू शार्प, हॉर्न मतलब होता है धार लगाना, किसी चीज़ को धार लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्न, जब किसी चीज़ को हॉर्न करते तो शार्प हो जाता है, ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट है, ऐसे कॉज और इफेक्ट बताइए। कॉज एंड इफेक्ट, यस ए विल वेल डन, पॉलिश इज टू शाइनिंग, किसी चीज को पॉलिश करते हैं तो वो शाइनी हो जाते हैं, जैसे हॉर्न करने से शार्प हो जाते हैं। वर्कर एंड वर्क, पैट्रॉन, पैट्रॉन कौन होता है, सरबरा, सरपरस्त, उसका काम क्या होता है, सपोर्ट करता है वो, ऐसे बताइए वर्कर और वर्क, यार लो तुम लोग गलत बता रहे हो, सुनो, स्पाउस इज टू डाइवोर्स, स्पाउस कहते हैं जैसे कि बीवी या मतलब शौहर, उनका काम डाइवोर्स देना नहीं होता है, दे सकते हैं बट काम नहीं होता है ये कि डाइवोर्स दें, वो तो कभी कभार चलता है, ठीक है, तो नहीं हुआ ये। रेस्टोरेंट का काम मैनेजमेंट तो नहीं है, होस्ट होता है मेज़बान, हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, तो मेज़बान का काम दुश्मनी थोड़ी ना करना है। काउंसलर का काम होता है एडवाइस देना, काउंसलर होता है जो काउंसलिंग करता है, जैसे करियर काउंसलिंग सुना होगा आपने कि भाई करियर काउंसलिंग हो रही है, एडवाइस देता है कि आपको क्या करना है करियर के हवाले से, वोट हमें दे दो, चाहिए काउंसलर, अच्छा वो अलग है अल्लाह के बंदे, ये काउंसलर, ये काउंसलर और वो काउंसलर होता है जो काउंसिल में होता है, यूसी, यूसी काउंसलर, तो वो काउंसलर है, ये अलग स्पेलिंग अलग है, काउंसलर आपकी काउंसलिंग करता है, आपको नसीहत देता है, और वो तो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल बंदा होता है काउंसलर, यूसी में जो होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट समझे, काउंसलर वगैरह जैसे नॉर्मली नहीं होते हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट टाइप के ही होते हैं ये लोग, थोड़ा स्पीच वगैरह डिलीवर करते हैं और एडवाइस देते हैं इस तरह के। स्टेथोस्कोप इज टू फिजिशियन, स्टेथोस्कोप डॉक्टर बनोगे ना सारे, तो डॉक्टर की निशानी क्या होती है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है, हार्ट बीट चेक करता है, यस डॉक्टर्स के हेडफोन स्टेथोस्कोप होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले आले को क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल वर्ड है, एस से आता है, यस हमारोलाइज राइट, स्पेक्नोमैनोमीटर, तो वो जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं जिससे, ठीक है, हवा भरने वाला आला, तो सब चेंज हो गया। तो स्टेथोस्कोप किसके पास होता है, फिजिशियन के पास, फिजिशियन कौन होता है भाई, हर वो शख्स जिसके पास MBBS की डिग्री आ जाए वो फिजिशियन, प्लस असल में जो MBBS होता है ना, जिसने सिर्फ MBBS कर लिया वो आपके पास तो क्या जनरल फिजिशियन, ऐसे ही है ना भाई, नज़ला खांसी बुखार का डॉक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला वही होता है हॉस्पिटल में, आपको वही मिलेगा सबसे फारिग, सबसे सामने उसका रूम होगा और 24 घंटा फ्री, उसको जनरल फिजिशियन कहते हैं। लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं जिन्होंने FCPS किया होता है, उनके अलग अलग कमरे होते हैं, वो टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, इज्जत भी ज़्यादा उन्हीं की होती है, इसलिए सिर्फ MBBS की इज्जत नहीं होती जब तक आगे और ना बढ़ो, क्या MBBS करने के बाद ही आगे जाकर FCPS करोगे ना, सिंपल सी चीज़ है। तो स्टेथोस्कोप कौन यूज़ करता है, फिजिशियन, पाकिस्तान में वैसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर जो वर्ड है ना, डॉक्टर, डॉक्टर एक लैटिन वर्ड है, इसके मतलब होते हैं टीचर, डॉक्टर के मतलब इलाज करने वाला होता ही नहीं है, डॉक्टर मतलब होता है टीचर,
आपको अगर याद है आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था इंग्लिश में एबट ऑफ कैंटरबरी, ही वेंट टू कैम्ब्रिज इन ऑक्सफोर्ड बट नॉट अ डॉक्टर देयर वॉज सो वाइज विच कुड विथ हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस, के जो शेपर्ड था एबट का वो गया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर बहुत अकलमंद नहीं था जो उसके सवालों के जवाब दे सकता था। डॉक्टर से मुराद वहाँ पर था टीचर, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो टीचर होता है उनको डॉक्टर्स कहते हैं, तो डॉक्टर असल में टीचर हैं, तभी तो पीएचडी में डॉक्टर लग जाते हैं नाम के साथ। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने किस में स्पेशलाइजेशन की थी? अलामा इकबाल ने कभी एमबीबीएस किया क्या? लेकिन पीएचडी डॉक्टर, फिलोसफी डॉक्टर थे वो। तो डॉक्टर मतलब होता है टीचर, और जो इलाज करने वाला होता है वो कौन होता है? फिजिशियन। लेक्चरर तो उससे जूनियर होता है कॉलेजेस वगैरह में जैसे, तो फिजिशियन दुनिया भर में उसको फिजिशियन कहा जाता है, पाकिस्तान में उसको हम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है वो फिजिशियन, ठीक है। हाँ, इसलिए वो समझ में भी नहीं आएगा किसी को बोलेंगे तो, तबीब उर्दू में कहते हैं तबीब इसको, फिजिशियन हकीम। स्टेथोस्कोप कौन इस्तेमाल करता है? फिजिशियन। अब आप बताएं। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, अब आपने देखा होगा रोड वोड बन रहा होता है ना, तो ऐसे ही कोई ट्राइपॉड टाइप का लगा के वो देख रहे होते उसमें दूर से खड़े होकर, आप बोले पता नहीं क्या कर रहा है ये, तो वो क्योंकि तस्वीरें वस्वीर तो नहीं खींच रहा, अभी तो ये लगता था छोटे में पिक्चर ले रहा है वो, तो ऐसा नहीं है, वो असल में लेवल चेक कर रहे होता है उससे। इस मशीन को कहा जाता है ट्रांजिट, ट्रांजिट लेवल कहते हैं उसको, तो आपने देखा पुल वगैरह बनाते हैं तो वो चेक करते हैं उससे लेवल, तो अब ये सिंपल है। स्टूडियो स्कल्प्टर, स्टूडियो का डिवाइस नहीं, स्टूडियो तो जगह है जिस पर स्कल्प्टर होता है, डी ऑप्शन है। ट्रांजिट इज टू सर्वेयर, देखो माइक्रोस्कोप इज टू एस्ट्रोनॉमर नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमर इस्तेमाल ही नहीं करता। पॉल्ट इज टू ऑदर, पॉल्ट आई थिंक क्या चीज़ है बट ऑदर इसको इस्तेमाल नहीं करता, या प्लॉट होगा या पॉल्ट नहीं होगा या प्लॉट होगा, तो ये कोई औजार नहीं है प्लॉट, वो तो उसको बनाता है ऑदर पहले। स्टूडियो जगह है जहाँ स्कल्प्टर काम करता है, मुजस्मा सास। ट्रांजिट इज टू सर्वेयर, ये जो बंदा होता है ये सर्वेयर होता है, सर्वे करने के लिए आता है ना, बोलता है सर्वेयर है, ये सर्वे कर रहे हैं, वो ट्रांजिट से चेक कर रहा होता है कि भाई रोड सही बना है कि नहीं बना। तो ये हो गया टूल और ये उसका वर्कर हो गया सर्वे, ठीक है, समझ में आ गई बात। थिंग और कैरेक्टरिस्टिक, लियोपर्ड कार्निवरस, बड़ा आसान है, लियोपर्ड है और वो कैसा है भाई? कार्निवरस है, ऐसे बताएं आगे नीचे, सिंपल है, सिंपल है। काओ इज टू हर्बीवोरस, लेपर्ड कार्निवरस, लेपर्ड किसे कहते हैं? चीता, तेंदवा, तेंदवा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेपर्ड, असल में बिग कैट है ना, बिग कैट फैमिली जो है ना, बिग कैट फैमिली, उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं अलग अलग, बिग कैट फैमिली के अंदर, उसमें से एक हमारे पास आता है टाइगर, है ना। टाइगर किसे कहते हैं? टाइगर होता है शेर, होता है शेर कहलाता है टाइगर, टाइगर जस्ट शेर है, हर तरह के शेर जो है वो टाइगर है। अब टाइगर के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइगर में हमारे पास एक टाइगर है जिसको हम लोग बोलते हैं लायन, लायन इज अ टाइप ऑफ टाइगर एक्चुअली, बस इसका बबर से इसकी दाढ़ी आ जाए तो फिर वो लायन हो गया, है वो भी टाइगर ही किसी में उसकी, एक टाइगर है उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल टाइगर, जिसको बाघ कहा जाता है, शेर खान, उसके पट्टियाँ होती है ना लंबी लंबी, देखा है शेर बंगाल उसको कहते हैं जिसको। और एक टाइगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइबेरियन टाइगर, वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का शेर होता है वो साइबेरियन टाइगर, ठंडे इलाके में। एक तस्मानियन टाइगर भी था लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया दुनिया से। इस तरह से बिग कैट फैमिली में एक टाइगर हो जाता है। फिर कुछ हमारे पास होते हैं पैंथर्स, पैंथर्स क्या होते हैं? ये टाइगर दरख्त पर नहीं चढ़ सकते लेकिन पैंथर दरख्त पर चढ़ जाते हैं, बिल्ली ने इनको दरख्त पर चढ़ना सिखाया है, बिल्ली तो शेर की खाला है ना, तो उन्होंने पैंथर्स को सिखा दिया, टाइगर्स को नहीं सिखाया, तो ये तीनों नहीं चढ़ सकते दरख्त पर, वो चढ़ जाते हैं पैंथर्स, जो दरख्त पर चढ़ने वाले बिग कैट्स हैं। अब पैंथर्स के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरी है, एक हमारे पास इसमें होते हैं चीता जो फास्टेस्ट है, चीता को इंग्लिश में भी चीता ही लिखा जाता है, चीता इंग्लिश का ही वर्ड है, उर्दू का वर्ड नहीं है, समझ गए, सी स्पेलिंग ये होती है एच आखिरी में आ रहा था चीता, ठीक है, चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल।
वो दरख्त पे भी चढ़ता है। और एक हमारे पास होता है लेपर्ड, तेंदुआ, वो भी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, बिल्ली जैसा ही होता है वो, बड़ा सा ब्लैक कलर का भी होता है, तो ब्लैक लेपर्ड कहते हैं उसको, बिल्कुल काला होता है, देखा होगा ना वो जगीरा या बगीरा, सॉरी बगीरा होता है ना वो जंगल बुक में, ब्लैक कलर का जो दोस्त होता है मोगली का, पता नहीं यार मैंने घुमा नहीं पूरा पाकिस्तान। और एक अमेरिका में होता है जिसको बोलते हैं जगुआर, गाड़ी का नाम भी है जगुआर, जगुआर असल में वो है पैंथर के टाइप है, ये सारे बिग कैट्स हैं, बिल्लियों के फैमिली से ही है। तो टाइगर समझ गया, टाइगर क्या है, तो बच्चे ना टाइगर को चीता पढ़ रहे होते हैं, हमने भी यही पढ़ा टाइगर चीता लायन शेर, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है समझ मेरी बात, ये जूलॉजी से डील करते हैं ये बात। तो टाइगर ओमनिवोरस नहीं होता, ओमनिवोरस किसे कहते हैं, जो दोनों गोश्त भी खा ले और सब्जी भी खा ले, तो टाइगर ऐसा तो नहीं है। क्रैब क्रस्टेशियन है, ये बात सही है, क्रस्टेशिया फैमिली है ना, फाइलम क्रस, अभी कल ही तो पेपर है आपका है, अच्छा आपका तो बोर्ड अलग है ना, सही क्रस्टेशिया है ना कोई, क्या है क्लास है फाइलम, आई डोंट नो, तो क्रस्टेशिया के अंदर क्रैब्स आते हैं ना, ऐसा ही है, जिनके ऊपर हार्ड स्किन होती है, किंग क्रैब भी शायद उसी के अंदर पार्ट आता है। फेलिन इज टू कैट, वो उसके पंजे होते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो काउ इज टू हर्बीवायरस, देखा जाए अच्छा, तो क्रैब की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रस्टेशियन, बल्कि यह तो उसका जो है वो कह लो फैमिली है, तो यह है काउ इज टू हर्बीवायरस, जो गाय है वो हर्बीवायरस है और घास खोर है, ठीक है। तो और भी स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको फिर सेंड कर दूंगा, आप खुद इसी तरह से बिल्कुल, ऊपर ये नहीं लिखा होगा टाइप, ये नीचे ऐसे साल हो थे, मैंने देखा है पीएमसी के टेस्ट नंबर 2 में पहला सवाल यही था, आई डोंट नो पीडीएफ जो आई थी उसमें मुझे दिखा था, बट ये है एनालॉजीज आती हैं, सिंपल है ना, इतना मुश्किल नहीं है, बट अब आपको पता लग गया ना कि सॉल्व कैसे करना है इस तरह के सवाल को, लॉजिक कैसे सोचना है। अच्छे खासे सवाल हमने यहाँ पर किए हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसमें पीडीएफ पे आप वहाँ से देख लेना, तो खुद सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है।